दोस्तों कैसे हो आप सब भाई, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये वीडियो होने वाला है गूगल एडवर्ड का पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक कैंपेन को रन करना। अगर आप गूगल एडवर्ड क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये पार्ट 3 है। यहाँ पे हम कैंपेन कैसे रन करते हैं ये सिखाने वाले हैं। तो अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो कैंपेन रन करना एंड कैंपेन क्रिएट करना ये सीख जाइएगा यहाँ पे। अगर आपने अभी तक अकाउंट ही नहीं बनाया है तो इससे पहले दो वीडियो हमने बना चुका है, तो वो वीडियो जरूर देखें आप एक बार। अकाउंट बना ले, अकाउंट बनाने के बाद अपने पैसे ऐड कर लें। पैसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कैंपेन कैसे रन करना है एंड कैंपेन में कितना पैसा लगता है ये सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं एंड आपको कैंपेन रन करके दिखाएंगे। पैसे कटेगा एंड हमारा सब कुछ ऐड चलेगा, बेनिफिट होगा, वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो होप कि आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना भी होगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो नंबर 3 के ऊपर में एंड ये है गूगल एडवर्ड का वीडियो नंबर 3। यहाँ पे हम कैंपेन क्रिएट करना सीखने वाले हैं। एक नया कैंपेन हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल को या अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो को प्रमोट करने के लिए। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि बिना कोई पेमेंट ऐड किए या बिना कोई कैंपेन क्रिएट किए हुए हम अपने अकाउंट कैसे बना सकते हैं गूगल एडवर्ड के ऊपर में। दूसरा हमने वीडियो में देखा था कि बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई प्रॉब्लम के हम पेमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली हमने इसमें पेमेंट ऐड कर दिए हैं पिछले वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। अभी यहाँ पे हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपके पास आ चुका होगा, अगर नहीं आया था तो दोस्तों आपको करना क्या है, गूगल एडवर्ड पे यहाँ पे सामने में क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाएगा, ओवरव्यू में आ जाएगा, एक न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो के लिए कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो दोस्तों तो मुझे फॉलो करो, मैं सेम यूट्यूब वीडियो पे लगा के दिखाने वाला हूँ आपको। ये लास्ट ऑप्शन में आ जाना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर कैंपेन टाइप्स आ जाएंगे। यहाँ पे डिस्कवरी आ जाएगा एंड यहाँ पे वीडियोज आ जाएंगे, ऐप आ जाएंगे। तो किस टाइप के सेक्टर के लिए आपको कैंपेन लगाना है, हमें करना है वीडियो को प्रमोट या दोस्तों इसे डिस्कवरी में भी यूज कर सकते हो, वो मैं समझा दूंगा क्या होता है। डिस्कवरी में दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल के नीचे में कहीं भी ऐड आते रहेंगे, उस प्रकार से होता है। फिलहाल हम वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट योर कैंपेन सब टाइप्स, तो आपको कंटिन्यू करना है कस्टम वीडियो कैंपेन के साथ। ओके सो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे अपना कैंपेन का नाम डालना है। दोस्तों मैं ये कस्टमर के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई थिंक जो भी होगा यहाँ पे पीके प्रिंस कैंपेन, पीके प्रिंस 1 करके मैंने लिख दिया। ये नाम हो गया ये कैंपेन का, इससे आपको पता चलेगा कौन सा कैंपेन कौन सा है। इसके बाद ये कैंपेन नेम लिखने के बाद आपको आ जाएंगे बीट स्ट्रेटेजी पे, इस पर क्लिक करेंगे। ये क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेंगे, एक मैक्सिमम CPV एंड एक टारगेट CPM। CPV एंड CPM में क्या अंतर है दोस्तों, CPV होता है कॉस्ट पर व्यू एंड CPM होता है दोस्तों कि जितना इंप्रेशन भेजेगा एंड इंप्रेशन भेज के छोड़ देगा। ओके तो आपको सेलेक्ट करना है CPV कॉस्ट पर व्यू, जितना भी व्यू जाएगा उसके हिसाब से आपके पैसे कटेंगे, तो हम CPV ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट पर व्यू, सो हमें यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू ही सिलेक्ट करने हैं। बिड डेट, यहाँ पे दोस्तों अब करना क्या है, आपको अपना बिड सिलेक्ट करना है, आपको डेली चलाना है या टोटल चलाना है। मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ दोस्तों एंड यहाँ पे करता हूँ 20,000 मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा मैं लिखता हूँ इसको। ओके इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा कि ये कैंपेन आज से चल जाए और कब तक चलना है, अब देख लो इन डेट, जब तक आप एक महीना चले, दो महीना चले, है ना, एक महीना या दो महीना कर दो, तो कुछ इस प्रकार से डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इन डेट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पर डे आपका कितना खर्चा होना है, 317 रुपया पर डे आपका इन्वेस्ट होने वाला है एंड 63 डेज चलेगा ये कैंपेन अगर आप 20,000 रुपया खर्चा करते हो तो। चलो इतना हम कर लिए, इतना आपने भी कर लिया। ओके इसे मिनिमाइज करते अब नेटवर्क हमें आते हैं। नेटवर्क में क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पे इसे अनटिक कर देना है, बाकी ये 2 टिक हैं इसे रहने देना है, कंपलसरी है वो। हमें व्यूज कहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए इंडिया से, तो इंडिया सेलेक्ट करते हो, लेकिन इसके अलावा आप ऐड भी करते हो इंटर अनदर लोकेशन, यहाँ पे आप ऐड करते हो इंडिया, पाकिस्तान, जो देश हिंदी बोलता है उसका आप ऐड कर लो, नेपाल, तो इन 3 देशों में अप्रोक्स हिंदी बोले जाते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश भी हो जाएगा एक,
बांग्लादेश, तो ये तीन चार कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो हिंदी के लिए। एंड इन तीन चार कंट्री में कम बेसी हिंदी बोले जाते हैं। लैंग्वेज हिंदी ही छोड़ते हैं क्योंकि लोग हमारा जो चैनल है, जो इनका चैनल है वो हिंदी का ही है, तो हमने यहाँ पे हिंदी रख रखा है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको रिलेटेड वीडियो, वीडियो से रिलेटेड क्या क्या करने हैं ये छोड़ देना है आपको स्पेस। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने हैं। यहाँ पे अब आपको डिवाइस पे क्लिक करने हैं। डिवाइस पे आपको करना क्या है, सेलेक्ट स्पेसिफिक डिवाइस। अब यहाँ पे टीवी, टैबलेट एंड कंप्यूटर को हटा देना है, स्पेशली मोबाइल को रहने देना है क्योंकि एक को रखना है, तो मोबाइल को रखेंगे क्योंकि मोबाइल पे ही सिर्फ ऐड आए, टीवी कंप्यूटर वगैरह पे ना आए। ओके, सो हमने यहाँ पे सिर्फ मोबाइल रखा है, इसका ख्याल रखें। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैप्चर। हमें यहाँ पे CAP इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे इंटरनल लिखना है, वन लिखना है। एंड यहाँ पे पर वीक या वन मंथ में, या वन मंथ में पर वीक। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि एक बंदे को एक महीना में सिर्फ एक बार ऐड जाना चाहिए, मतलब एक ही बंदे के पास बार बार ऐड जाए तो कोई फायदा नहीं है। अगर उसको करना होगा तो एक बार में करेगा, वरना जय श्री राम। ओके, तो ये हम यहाँ पे डिसीजन ले लिए। अब यहाँ पे आपको ऐड शेड्यूल ये छोड़ते हैं, हम ऑन टाइम रन कर देंगे। थर्ड पार्टी मेजरमेंट ये भी हमें नहीं करना है, बस यही मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम, ऐड ग्रुप नेम आपको रखना पड़ेगा। तो मैं जो ऐड कैंपेन नेम है वही मैं ग्रुप का भी नेम कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ये सिंपल चीज़ है, आपको इंडिकेशन के लिए है। ऐड ग्रुप नेम हमने सेम रख दिया है। इसके अलावा यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट है, डेमोग्राफी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे किन किन एज का और कौन से बंदे को आप यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो 18 से 24, 25 से 34 हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हम सभी टाइप्स के बंदे रखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है हमें, पेरेंट्स रहे, मम्मी रहे, फादर रहे, कोई उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ तक करते हैं जो इनका चैनल है उसके हिसाब से। ओके, सो मे बी मैं यहीं तक करता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। 40 तक तो करते ही हैं लोग। ओके, सो यहाँ तक रहने देते हैं। मेल फीमेल कोई चलेगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो ये चीज़। अब सेलेक्ट करना है आपको ऑडियंस सेगमेंट, ये किस टाइप के ऑडियंस आपके पास आने चाहिए। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। एंड सर्च पे आपको सर्च करना है टेक्निकल, जिस टाइप के आपके कंटेंट है उस टाइप के क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक करते हैं एंड टेक्निकल को ऐड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखोगे टेक्निकल ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सेक्टर हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया यहाँ पे फाइनेंस इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री, सोशल मीडिया है, इस प्रकार से आपको कीवर्ड यूज कर लेने हैं। ओके, और आगे प्रोसेस करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑडियंस कुछ इस प्रकार से ऐड कर लिए हैं, कीवर्ड अगर छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, फाइनल यूट्यूब वीडियो, यहाँ पे योर यूट्यूब वीडियो, आपको यहाँ पे अपना वीडियो का लिंक डालना है। तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में इनसे वीडियो मंगाया था, तो मैं सबसे पहले इनका वीडियो निकाल लेता हूँ टेलीग्राम से। आपको अपने वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, अब यहाँ पे आपको दो तीन टाइप्स के ऐड मिलेंगे। सबसे पहले दो टाइप्स के यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्किपेबल ऐड एंड यहाँ पे दिख रहा है इन फीड वीडियो ऐड। तो अपने को अगर महंगा चाहिए, सस्ता चाहिए, ये डिपेंड करता है। हमें इन फीड वीडियो ऐड पे क्लिक करना होगा क्योंकि हमें चाहिए सस्ता, हमें महंगा नहीं चाहिए। ओके, तो हम क्लिक करते हैं इन फीड वीडियो ऐड। यहाँ पे जैसे कि वीडियो यहाँ पे आएगा, इसके नीचे ये ऐड आ गया, तो ये ऐड हो गया जो इन फीड वीडियो ऐड होता है। नीचे में वीडियो के नीचे में ऐड दिखाएगा ये, तो इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, क्या है हेडिंग में क्या लिखना है। आपको हेडिंग में कुछ ऐसा चीज लिखना है जो किसी भी ब्रांड का ना हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने वीडियो में कैप्चर किया है कुकू ऐप के बारे में, तो ये एक ब्रांड है, तो ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये इनका स्ट्रिक्ट क्या बोलते हो रूल्स है। आप यूट्यूब यूज नहीं करते हो, इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते हो, आप टेलीग्राम यूज नहीं कर सकते, जो ब्रांड का नाम होता है वो यूज नहीं करते हो। तो आप कुछ गलत लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है बेस्ट अर्निंग ऐप, अर्न 1000 पर डे, ओके, एंड इजी टू अर्न, हरी अप, मैंने ये लिख दिया। ओके, सो अब थर्ड में क्या लिखना है, आप सिंपल छोड़ भी सकते हो या आप इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ भी यूज कर सकते हो। सो मैं इस टाइटल को यहाँ भी यूज कर ही देता हूँ। सो सिंपल इतना करना है दोस्तों,
सब इतना कुछ करने के बाद दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद ऐड किस तरह से आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा यूट्यूब के ऊपर में। आप देख लो यहाँ पे ये ऐड चल रहा है, इस प्रकार से ऐड आएगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। अगर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे ऐड नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डेस्कटॉप के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया, हमने मोबाइल के लिए यूज किया है। ओके, अब आपको करना क्या है दोस्तों, नीचे में जाना है। नीचे में जाने के बाद यहाँ पे क्या अपना बिट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बिट जो प्राइस है आपको 0.10 रखना है। ओके, इसके बाद दोस्तों इसे अप्लाई करना है। जब अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये बोलेगा कि 0.54 रखें, जितना कम हो सके उतना रखें कम, ताकि आपका पैसा बचेगा। ओके, सो यहाँ पे ये मांग रहे हैं 0.54 का, एंड बोले योर बिड इज दिस, एंड सब हमारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो आपके यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे, योर एस्टिमेट परफॉर्मेंस, एंड आपको यहाँ पे 0.54 रुपीज लगने वाले हैं पर व्यूज। व्यूज आपको 96K टू 2,40,000 तक मिल सकता है। इंप्रेशन आपको 800,000 तक का मिल सकता है यहाँ पे। ओके, 3,000,000 तक का इंप्रेशन जा सकता है। प्राइस आपको 7 रुपया से 25 रुपया के बीच में लग सकता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे अब क्लिक करना है। एक बार वेरीफाई करने के बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, आपका ऐड क्रिएट हो जाएगा। सो फाइनली हमारा क्रिएट हो चुका है, कंटिन्यू टू कैंपेन पे क्लिक करना है, आपका कैंपेन क्रिएट हो चुका है। अब ऐड ग्रुप, जो हमने ग्रुप नाम ऐड करा था वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अभी दिखा रहा है कि आपका कैंपेन एलिजिबल तो हो चुका है, एंड ये रन करेगा, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आपको चेक करने के लिए इसे ऐड एंड एसेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एड्स पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो दिखेगा, साथ में आपका ग्रुप नेम दिखेगा, ये अभी पेंडिंग है। यहाँ पे एलिजिबल दिखा देगा तो समझ लेना कि आपका ऐड रन कर जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे अगर पेंडिंग है तो अभी अप्रूवल होने में टाइम लेगा, यहीं पे आपका रिजेक्ट होता है अगर आपने टाइटल वगैरह में कुछ गलती करोगे तो होगा। सो हम देखते हैं क्या होता है हमारा, इसके बाद हम आपके साथ अपडेट भी करेंगे। फिलहाल फाइनली दोस्तों हमने कैंपेन क्रिएट कर लिया है, एंड यहाँ पे अब हमारा कैंपेन रन हो जाएगा अप्रूव होने के बाद। ये 2 घंटे के अंदर में अप्रूवल हो जाती है, उससे कम में भी हो जाता है। एंड दोस्तों रन होने में 2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि हमारा जो कैंपेन रन हुआ है वो कम टाइम में ही हो जाए। यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक सेट किए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एंड ये कैंपेन कैसा रन किया, क्या इसका बेनिफिट हुआ, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सब बताने की कोशिश करेंगे। सो होप कि आपने भी कैंपेन क्रिएट कर लिया होगा एंड आपका कैंपेन रन करेगा, ये मेरी उम्मीद है। रन हुआ तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं हुआ तो भी बताना। अगर कोई इशू होती है इतने वीडियो बनाने के बाद भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, या आप मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हो। लाइक करके मोटिवेट करते रहिए ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं, एंड कोई भी डाउट होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ताकि मैं वीडियो लेकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। फिलहाल वीडियो करता हूं, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।